नमस्ते मित्रों, आयुर्वेदिक वीडियो चैनल प्रोग्राम का नाम है पांचवा भेद और आज हम बात करेंगे कुछ माइथोलॉजी के रिलेटेड हर और देव देवता। आज सुबह मेरे मित्र आए थे मिलने के लिए और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल मुझे पूछा कि भाई तुम्हें मित्र आपको पता है कि कोई भी चीज हम जब भगवान श्री कृष्ण को भोग धराते हैं तब उसके अंदर तुलसी रखते हैं, तो तुलसी का कोई महत्व हेल्थ के लिए क्या महत्व, भोग में क्यों तुलसी चढ़ाते हैं। साथ साथ में उनकी जिज्ञासा भी बहुत थी, तो बोले कि भाई शिव मंदिर में जाते हैं तो शिव जी को कंटिन्यूस धारा जो बोलते हैं वो कंटिन्यूस धारा पात्री में से पानी टपकता रहता है या तो दूध धारा पात्री में हम डालते हैं, तो वो इनको ही क्यों, वो शिरोधारा मतलब जो धारा वाली बात है वो कृष्ण भगवान को क्यों नहीं, कृष्ण के साथ जो तुलसी है वो शिव जी को क्यों नहीं, और ऐसे देखा जाए तो हनुमान जी को भी एक प्लांट धराते हैं जिसको हिंदी में आंख बोलते हैं या तो अर्क बोलते हैं संस्कृत में, तो वो अर्क पत्र सिर्फ हनुमान जी को ही हम भोग धराते हैं, तो ये सब क्यों है और उसका कोई सिम्बॉलिक कोई महत्व है आयुर्वेद के लिए या हेल्थ के लिए। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हो गई कि शिव जी को धारा क्यों। अब शिव जी को नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि ये जो देव है उनका गुस्सा बहुत है, अगर शिव जी गुस्सा हो गए और उन्होंने थर्ड आई ओपन कर दी तो पूरा जगत भस्मीभूत हो जाएगा, तो शिव जी को ठंडा रखने के लिए कंटिन्यूज उनके मस्तक पर पानी की धार चाहिए, इसीलिए तो गंगा जी को मस्तक पर बिठाया है और गंगा जी के मस्तक पर होने की वजह से शिव जी का गुस्सा शांत रहता है, तो ये सिंबल हुआ कि गुस्सा शांत करना है। और ये सिंबल अगर भगवान के लिए है तो हमारे लिए भी उतना ही इफेक्टिव है, इसीलिए आज हम आयुर्वेद में भी हम लोग जिसका गुस्सा ज्यादा है, जिसको पित्त की तकलीफ है, जिसको प्रेशर ज्यादा है, नींद की बीमारी है, ऐसे लोगों को धारा करते हैं, सर के ऊपर ही धारा करनी है, इसीलिए इसका नाम शिरोधारा है। शिरो संस्कृत में शिरोधारा मतलब सर के ऊपर धार करना, और इसमें कई सारे अलग अलग द्रव्य हम यूज करते हैं, दूध की भी हम धारा कर सकते हैं, डिकॉक्शंस कवाथ उबाल के उसकी भी धारा हम कर सकते हैं, ऑयल की भी धारा होती है, बटर मिल्क की भी धारा हो सकती है, अलग अलग रोग में अलग अलग धार सर के ऊपर करनी रहती है। तो और ये पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट हो गई है, इवन अमेरिका में तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये एक्सेप्टेड है और कई इंश्योरेंस कंपनी उसको रियम्बर्स भी करती है शिरोधारा की जो फीस है, इंडिया में नहीं होती है, वो अलग बात है कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मानती है और इसको रियम्बर्स नहीं करती है, अमेरिका में करती है। कृष्ण जी के साथ हम बात करें तब जब भी बात आती है तो तुलसी की बात आती है, और तुलसी को 5000 साल पहले भी चरक ऋषि ने बताया ये एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल जितने भी सारे गुण उन्होंने 5000 साल पहले बताए आज भी हम एक भी गुण को चैलेंज नहीं कर सकते जो चरक ने बताए उनमें से। तो तुलसी इतनी पावरफुल है कि अगर खाने में कोई वायरल बैक्टीरियल कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो तुलसी की मदद से हम उसको क्लियर कर सकते हैं या तो तुलसी उसको प्रिवेंट कर देगी, हमारी हेल्थ प्रिवेंशन के लिए तुलसी का एक पत्ता भी जाना काफी है। तो कितनी बड़ी रोचक बात थी कि वो सिंबलाइज कर दिया कि आपने जो कुछ भी बनाया अपनी रसोई में वो पहले आप भगवान को भोग धराएंगे और फिर भगवान के भोग धराने के बाद आप खुद खाएंगे, तो भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता रख दो। कृष्ण भगवान को तुलसी अति प्रिय है, वो धार्मिक एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन आपको मिलेंगे, लेकिन वो तुलसी अल्टीमेट तो जाएंगे हमारे पेट में, तो हमारे पेट में वो तुलसी क्या काम करेगी। तो ये बहुत से सारा इसका एक दृष्टांत है कि धर्म और आयुर्वेद को कैसे साथ साथ में बताया गया है। तीसरी बात जो थी कि आंख या तो अर्क पत्र की बात है, वो तो विषैला प्लांट माना गया है, जहरीला प्लांट है तो सामान्य लोग उससे दूर रहते हैं, उसका पत्ता अगर तोड़ते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का दूध निकलता है और अगर वो दूध उड़ा और कहीं स्किन पे लग गया तो जलन हो जाएगी, रैशेस शुरू हो जाते हैं, इचिंग खुजली आ जाती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं उससे, तो लोग उससे भागते उससे दूर रहते हैं। एक सिंबल की बात थी कि इसका हनुमान के साथ क्या रिएक्शन क्या रिलेशन है,
तो हनुमान जी का नाम है हमें सबको मालूम है, पवन पुत्र हनुमान ऐसा बोला जाता है। पवन पुत्र हनुमान को आयुर्वेद में हम इंटरप्रेट करेंगे, ये वायु के देवता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन एनर्जी जो बताई है शरीर के अंदर, वो तीन एनर्जी में से जो वायु एनर्जी है उसके देवता हनुमान जी है। और वायु की जो एनर्जी है वो ज्यादातर न्यूरोलॉजी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस को अफेक्ट करती है। तो हनुमान जी की जो बात आई तो पवन की बात आई, पवन मतलब वायु की बात आई, तो हनुमान जी को अर्घ पत्र देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल ये भी हो सकती है कि शनिदेव को भी अर्घ पत्र मिलता है, शनिदेव को भी आप अर्घ पत्र धराते, तो शनि भी वायु का देवता है, हनुमान जी भी वायु का देवता है। शरीर के अंदर वायु के जितने रोग है करीबन 80 प्रकार के रोग बताए, सबसे ज्यादा वायु पित्त कफ में कफ के 20 रोग बताए, पित्त के 40 रोग बताए और वायु के 80 रोग बताए। तो सभी के सभी 80 रोगों में अर्क पत्र का उपयोग हो सकता है। हाँ, हालांकि नॉलेज होना जरूरी है, कैसे उपयोग करना है वो भी जरूरी है, लेकिन आज की तारीख में भी नॉलेजेबल जो वैद्य है आयुर्वेद का जो डॉक्टर है वो अर्क पत्र को हम आम बात के दर्दियों में यूज करते हैं, उसको बॉइल करके उसकी पोटली बनाकर हम शिकायत करते हैं, जॉइंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो गई हो, पेशेंट एकदम से स्टीफ हो गया हो, तो उसमें ये अर्क पत्र का यूज करने से बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है, पेशेंट आराम से चलने फिरने लगते हैं। ऐसे अर्क क्षीरवटी बनाते ये जो आँख का पत्ता तोड़ा तो उसमें से जो दूध निकला वो दूध को कलेक्ट करके, हालांकि वो पॉइजनस है लेकिन वो कलेक्ट करके उसमें से एक छोटी छोटी दवाइयाँ बनती है, टेबलेट बनती है। और वो बच्चों में भी बहुत चेस्ट कंजेशन है, ब्रेथलेसनेस बच्चे हो जाते हैं, तब ये अर्क क्षीरवटी काम करती है। तो हर एक जो देव देवताओं के साथ वनस्पति को भी जोड़ा गया है वो डेफिनेटली एक सोर्स ऑफ मीडिया के तौर पर लोगों को नॉलेज देने के लिए ये बताया गया है। तो ऐसी कई रोचक बातें हैं कि जो धर्म और आयुर्वेद को साथ साथ में लेकर आती है और लोगों तक हम ले जा सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल बातें सुनने के लिए फिर से हमसे जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।